तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली के वॉर सेमेट्री में, जो कि है दिल्ली कैंट में। तो ये मेन रोड से 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस पे ये दिल्ली वॉर सेमेट्री पड़ती है, जो कि है दिल्ली कैंट में। और वीडियो के साथ जुड़े रहने देता हूँ, वीडियो के बाद इस जगह के बारे में आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों आ चुका हूँ दिल्ली के वॉर सेमेट्री में। अभी इसका मेन गेट देखते हैं किधर है। तो अभी मेन गेट को ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये दिल्ली वॉर सेमेट्री है, आप चलते हैं इसके अंदर। तो ये इसका मेन गेट है, यहाँ पर ये कुत्ता खड़ा है और कह रहा है सैटरडे और संडे नॉट एंट्री है, नॉट अलाउड है। वहाँ पर वॉचमैन भी बोल रहा था इसके साथ में। तो आज है सैटरडे का दिन, तो अंदर एंट्री देने रहे। तो कुल मिला के यहीं से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ इसकी पूरी। तो ये है दिल्ली वॉर सेमेट्री दोस्तों, बताना चाहता हूँ। ये जो वॉर सेमेट्री है, इसमें इतनी खूबसूरत बनी हुई है, एकदम गार्डन की तरह दोस्तों ये बनी हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो ये कब्रें हैं, ये एक लगता नहीं है एक कब्रिस्तान है, पर एक्चुअली एक कब्रिस्तान है। तो इसमें जो कब्रें हैं वो 1154 कब्रें हैं आंकड़ों के अनुसार, जिसमें से सिर्फ दोस्तों 941 ब्रिटेन की हैं, मतलब कि वहाँ के सैनिकों की हैं, ब्रिटेन के सैनिकों की। और इसमें 152 भारतीय सैनिकों की हैं, 30 डच लोगों की हैं, और 15 हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया की, और 10 हैं इसमें न्यूजीलैंड की, और पोलैंड की एक कब्र है दोस्तों। इसमें हर साल करीब 15 अप्रैल को वहाँ के प्रधानमंत्री और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ के इंडिया के लोग आते हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं इन सबको दोस्तों। और दोस्तों ये जो दिल्ली वॉर सेमेट्री है, इसमें बारे में कहा जाता है जो 152 हिंदुस्तानी भारतीय सैनिक दफन है, उसमें से करीब हर राज्य से कुछ सैनिक लिए गए हैं बड़े बड़े, जैसे उत्तराखंड हुआ, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, उन जगहों के यहाँ पर सैनिक लिए गए हैं। और इसमें कहा गया है दोस्तों, जो ये बनाया गया है ये पर्शियन डिज़ाइन में बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं आगे चल के आपको इसका पूरा डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये पर्शियन डिज़ाइन में बनाया गया है, जो ब्रिटेन का एक आर्किटेक्चर थे, उनका नाम मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। और इसमें कहते हैं महारानी एलिजाबेथ जो थी वो भी आ चुकी हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बनाई गई थी दोस्तों 1939 में, देख सकते हैं 1945 तक यहाँ पे जितने भी थे सबको दफन करा गया, देख सकते हैं। और इसका डिज़ाइन देखिए दोस्तों आप, बिल्कुल ही इंडिया का ये डिज़ाइन नहीं है, ये पर्शियन डिज़ाइन है, ब्रिटेन का डिज़ाइन है। और इसे 1951 में था पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। फिलहाल तो अभी इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं आप वो सामने जो आपको ग्रेवयार्ड दिखाई देता है कितना बड़ा है, वो देख सकते हैं। इसमें खाली 941 जो कब्रें हैं वो खाली ब्रिटेन की हैं। और इसमें मंडे टू फ्राइडे हम आ सकते हैं, एंट्री की बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। और इसमें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एंट्री होती है, देख सकते हैं पूरा ग्रेवयार्ड ही आप, कितना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों, मतलब कई 100 कब्रें आपको दिखाई देंगी चारों तरफ, आप अगर इसके नज़र मारते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही आज की वीडियो में, क्योंकि अभी ये ग्रेवयार्ड बंद है तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया, लेकिन जितनी भी मेरे पास जानकारी थी इस ग्रेवयार्ड के, दिल्ली वॉर सेमेट्री के बारे में, मैंने आपको बता दिए। और आप अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पर, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई एंट्री फी नहीं लगती, और काफ़ी अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, मंडे टू फ्राइडे इसकी एंट्री होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।